अच्छा जी, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने नियत कर लिया उमरे की और अहराम भी पहन लिया, और ये मैंने बड़े पापा के अहराम पहना है। इसकी वजह गाड़ी चेक करो, सबसे अनोखी गाड़ी, कपड़े डालने दरवाजे खोल के, ये चेक करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आफ्टर 4 दिन बाद यार मैं पूरे व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं खुश भी लग रहा हूँ। खुशी की वजह ये है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर से मक्का और मदीना से बुलावा आ गया है। हम लोग जा रहे हैं भाई उमरा करने, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग उमरे पे जाएंगे, आसमान भाई के घर रहेंगे, तो हम लोग उमरे पे जा रहे हैं इंशाल्लाह एक हफ़्ते के लिए। सारा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग उमरे पे जाते हैं और कौन कौन सी ज़ियारत करते हैं और कहाँ और कब जाते हैं, और आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ मैं हम लोग कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं, आप लोगों को गाड़ी मैं दिखाऊँ। 1 2 3 आए 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 हुंडई, हे चेक करो, है ऑटोमेटिक गाड़ी, और ये हमारी लाडो रानी खड़ी है। तो पहले आप लोगों को भाई अंदर से गाड़ी दिखाता हूँ, उसके बाद सामान रखते हैं और आप लोगों को फिर मैं बताता हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है इस गाड़ी के अंदर और कौन कौन घर रह रहे हैं। और 2-3 जने घर भी रह रहे हैं, बाकी सारे जा रहे हैं, और आपको मैं बताता हूँ कौन कौन जा रहे हैं। पहले भैया आपको गाड़ी के अंदर से लुक दिखाता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। हाय 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 भाई, ए खुल लीजिए, है चेक करो जी भाई, गड्डी चेक करो, मोल है कि नहीं गाड़ी। ये सीटें देखो, बिल्कुल नई सीटें हैं, ये देखो। पीछे थोड़ा कंफर्ट थोड़ा है, ये सीटें आगे हो जाएंगी, तो पीछे डिक्की भी भाई, डिक्की के अंदर भी हम लोग हाजिमा वाला को बैठा देंगे। तो इंशाल्लाह बरा हम लोग जाएंगे बाय रोड, तो पहले हम लोग जाएंगे मदीना, फिर हम मदीना के अंदर जितनी है पहले वो ज़ियारतें करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जी भाई मक्का। तो पहले अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर से सारा सामान लेके आते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने सफर पे निकलते हैं। अभी चलते हैं पहले ऊपर। तो जी भाई ऊपर आ गए हैं, तो ये देखो, ये मेरे कपड़े, ये मेरे कपड़े हैं, ये उस्मान भाई की तोप है, और ये मेरा बैग है जी भाई। इसको उठाते हैं जल्दी से और लेके चलते हैं नीचे। आपको डिक्की भी दिखाता हूँ, डिक्की के अंदर कितना कम्फर्ट है। हाँ जी, ये देखो भाई गाड़ी खुली, उसके बाद डिक्की, आए हाय 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 हाय। ये हसन भाई रह गए हैं भाई, ये हमारे पासपोर्ट हैं। रास्ते में चेकिंग होती है चेक पॉइंट के अंदर, वहाँ पर ये दिखाना ज़रूरी है। और ये भाई लेज़ रखी है कि भाई रास्ते में खाखू लेंगे। और ये कपड़े जी भाई, इनको जी रखते हैं अंदर, पहले बैग रखते हैं मेरा, इसके अंदर मेरे कपड़े हैं जी भाई, बैग इधर, और इसके कपड़े कभी इधर ही रहने थे, बाद के अंदर रख लेंगे। बाकी पहले सामान लेके थे, सामान बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं हम लोग, एक हफ्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा मिस किंदर है ये रहा, तेरा है नाम है। एक तेरे पे हो रहा है? नहीं ये नहीं, हाँ नहीं, मेरा रख लो ना पापा के घर रहने दो, ये रहा मेरा पासपोर्ट जैकेट। चलो ये भाई, ये मैंने भाई अपना पासपोर्ट भी रख लिया, ये भाई मैंने अपना पासपोर्ट भी रख लिया इस भाई को, के भाई रास्ते में चेक पॉइंट आते हैं पासपोर्ट को चेक करते हैं, इसलिए पासपोर्ट जरूर रखना है। और ये जैकेट एक मेरी है, एक हसन भाई की है, इसके अंदर मेरे शूज़ हैं, और ये वाले शॉपिंग के अंदर मेरा एहराम है, और ये भी रखते हैं जल्दी गाड़ी के अंदर। ये भाई डिक्की का हाल देख लो, अभी भाई और थोड़ा सा और सामान पड़ा है, अभी ये बैग जो है ये बैग आगे रखेंगे, इसके अंदर बच्चों का फीडर वगैरह, उनके पैम्पर वगैरह इसके अंदर है। और सामान भी ने मुझे जैकेट भी बनवा दिया, कह रहे रास्ते में सर्दी होगी, वैसे तो गाड़ी में बैठ रहे हैं लेकिन कह रहे अभी पहनो कि सर्दी ना लग जाए, बाद में भाई कहाँ लेके मुझे फिरते रहेंगे। तो इसको आगे रखते हैं बैग, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन कौन जा रहा है हमारे साथ उमड़े पे। दरवाज़ा खोलो जी, बिस्मिल्लाह, इसको रखते हैं जी भाई पीछे। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। मेरी बहन पिछली बार आपको पता है कि उमड़ा कर रही थी बस के अंदर, जब ये लोग गए थे, जब हम लोग अपने घर आए थे, तब उस्मान भी की बीवी भी कर रही थी, उनके बच्चे भी कर रहे थे, उनकी अम्मी भी कर रही थी, और मेरी बहन भी कर रही थी। लेकिन फिर उस्मान भाई अपनी फैमिली, उस्मान भाई की पूरी फैमिली जा रही है, मतलब कि उस्मान भाई, हसन भाई, उस्मान भाई के बच्चे, उस्मान भाई की बीवी, उस्मान भाई की मम्मा। एक सीट कमी आई थी, मेरी बहन तो कर रही थी और पापा ने दुकान देखनी थी, इसलिए वो कह रहे थे मुझे ले जाते हैं, कुबड़ा तो मेरी बहन तो कर रही थी, इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ अब। तो भाई मेरा दिल भी बड़ा कर रहा था कि पाकिस्तान जाने से पहले मैं उमरा करूँ, तो भाई मेरी दुआ कबूल होगी और मैं इंशाल्लाह उमरा करने जा रहे हैं। पहले हम लोग जाएंगे भाई मदीना, क्योंकि भाई हम लोग बड़ा लंबा सफ़र है कि जाते सार भाई उमड़ा नहीं होता, इसलिए हम लोग पहले मदीना जाएंगे, वहाँ पर ज़ियारतें वगैरह करेंगे, फिर हम लोग 2 दिन रह के आगे मक्का चल जाएंगे। सांस भी भाई मुझे बहुत चढ़ गया, अभी डिक्की बंद करते हैं
ऊपर चलते हैं, सामान भी उन्होंने चाय पीनी है, उसके बाद हम लोग अपना सफर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। डिक्की जी बंद कर दिए, ये राम अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय हाय। और गाड़ी के भैया आपको मैं फ्रंट लुक भी दिखा देता हूँ, गाड़ी फ्रंट से कैसी लगती है। आए 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 आए, ये देखो ये है गाड़ी, ये है गाड़ी पूरी, ये देख लो 360 पूरा 360 एंगल देख लो। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर और सामान भी, जब चाय ख़त्म होती है उसके बाद हम लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चाय तो सामान भाई पी रहे हैं, हसन भाई भी, तो ये देख लो पानी आपको भला मैं क्यों दिखा रहा हूँ। रास्ते से भी हम लोग खा सकते थे, लेकिन हमारी मम्मा जो है, मतलब कि मेरी खाला, मेरी बहन बड़ी, मेरे तक सामान भाई की बीवी कहते हैं नहीं जी भाई घर से बना के लेके जाना है। तो ये पाकिस्तानी फैमिली का उनका सबूत है कि भाई घर से हमेशा खाना लेके जाना है। दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर जमजम है, इसके अंदर घर का पानी है, इसके अंदर सिरका है अगर इसका पेट वगैरह ख़राब हो जाए, और इसके अंदर जी भाई सालन। और मैंने जैकेट भी उतार दिया कि भाई मुझे कपड़ा आ पाने लग गया था, इसको रख लेंगे भाई जी अब डिक्की के अंदर, मेरे से तो नहीं पहनी जाती, जब सर्दी लगेगी तब पहन लेंगे। अरे डिक्की तो करिए बंद। आए भाई मैं आपसे साथ भी मिलूंगा जब उस्मान भाई चाय पी लेंगे और हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करने लगेंगे। ऐसे तो भाई हमारा आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी उस्मान भाई पहले चाय पी लें, उसके बाद भाई जब हमारा सफ़र स्टार्ट होने लगेगा तब भी मैं आपको मिलता हूँ। ओके ये ले लो इधर से, चलो उसमें से काट, ये लो एक रियाल है, वो एक रियाल टू। पावर बैंक, ये पावर बैंक भी भाई मैंने रख लिया है ताकि भाई मैं ब्लॉगिंग करनी होती है कहीं बैटरी ख़त्म ना हो जाए और मैं ब्लॉग छोड़ना जाए, इसलिए भाई मैंने सामान भाई का पावर बैंक रख लिया है। आज हम इंशाअल्लाह ताला सफर की दुआ पढ़ना सीखेंगे। جب سفر پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ترجمہ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اس سے ملنے والے نہیں تھے۔ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ अभी भाई 5:30 हो रहे हैं, हमने रास्ते में भाई कहीं स्टे नहीं किया, सिर्फ एक स्टे किया था जहाँ पर हम लोगों ने भाई बाथरूम वगैरह किया था, उसके बाद भाई हम लोग कहीं भी नहीं रुके। अभी हम लोग रुके भाई फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं ये भी उठा, बाकी उस्मान भाई की बीवी, उस्मान भाई के बच्चे, उस्मान भाई, हसन भाई और उनकी अम्मी भी सो गई हैं, सिर्फ मैं उठा कि भाई कोई तो जागता रहे, नहीं तो भाई सारे रुके हैं। ये देखो ना गाड़ी के अंदर, ये देखो सारे सोए, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सारे सोए हैं, और जो उनकी उस्मान भाई की मम्मा है और उस्मान भाई की बीवी वो मस्जिद के अंदर सो गई हैं लेडीज़ की, और उस्मान भाई लड़कों की मस्जिद के अंदर, और हसन भाई गाड़ी के अंदर, और उस्मान भाई के बच्चे भी गाड़ी के अंदर है। तो मैं उठाऊँ कि भाई मैं नमाज़ का इंतज़ार करता है, अजान होए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के इनको सार को उठा के कहूँगा चलो आ जाओ फिर सफ़र रवाना करें। यहाँ सिर्फ तैफ रैक है, सिर्फ 2 किलोमीटर और, यार मैंने आपको कहा था कि हम लोग जा रहे हैं मदीना, लेकिन यार हमारा प्लान चेंज हो गया, हम लोग अब मदीना नहीं जा रहे। उसकी वजह ये है कि यार हम लोगों ने जाना है हमारे नबी आज़म मोहम्मद ख़त्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे, उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, वो 2 दिन पहले लेनी पड़ती है, अगर हम लोग मदीना चल जाते फिर हमें नहीं मिलनी थी वो, इसलिए भाई हम लोग पहले मक्का जाएंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद भाई हम लोग जाएंगे मदीना, हम 2-3 दिन रहेंगे मक्का, शायद हमें पापा भी ज्वाइन कर लें, फिलहाल अब हम लोग अकेले ही जाएँगे मक्का। तभी हम लोग चलते हैं भाई नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद इनको उठाते, उस्मान भाई को उठाते हैं कि नमाज़ के लिए, और हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपना सफ़र रवाना करते हैं। जी
फजर की नमाज पढ़ लिया भाई, इधर तो मस्जिद में गर्म पानी भी नहीं आता, फुल तपता हुआ ठंडा पानी भाई, उससे वजू किया, उससे नमाज पढ़ लिया, मेरी तो भाई बस हो गई थी। बाकी भाई फैमिली ने भी नमाज पढ़ लिया, उस्मान भाई भी नमाज पढ़ रहे हैं, हसन भाई भी नमाज पढ़ने गए हैं। उसके बाद भाई हम लोग निकलेंगे ताइफ पे, जहाँ पर उमड़े की नियत होती है। ऐसे मौसम के अंदर भाई चाय होना तो ज़रूरी है। हाय 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 वो पढ़ा ही नीचे, रेड बैग के नीचे पड़ा है। हाँ जी बाकर खानी वो आगे हैं, देता हूँ। और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होती हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले। जी मेरा गया जी हर जिस्म का अंग अंग भाई, मेरा दर्द कर रहा है भाई, अब तो खड़ा ही भी नहीं हुआ जा रहा, सारा जिस्म दर्द कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मकात पहुंच गए हैं, जहाँ पर उमड़े की नियत होती है, ये मक्के की हदूद से बाहर है, तो यहाँ पर हम लोग नियत करेंगे उमड़े की। इसके बाद हम लोग जाएंगे मक्का, शायद हम लोग रास्ते में जुमा पढ़ें या हम लोग मक्का के अंदर जुमा पढ़ें, देखते कहाँ में नसीब होता है। बाकी जो हम लोग इहराम के साथ बेल्ट बांधते हैं, सेफ्टी होती है, जिसे इहराम गिरे ना, क्योंकि इहराम के साथ कुछ पहन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ बेल्ट पहनते हैं कि कोई चीज़ हमारा इहराम गिर ना जाए सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं वो घर भूल रहा हूँ बेल्ट, तो अभी ढूंढ रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा है उस्मान भाई या हसन भाई की तो वो पहन लूँगा, नहीं तो मैं नहीं ले आऊँगा। और बड़ी धूप है भाई, सुबह तो भाई रात को सर्दी लग रही थी, अब तो भाई यहाँ पर गर्मी, बाहर बैठा नहीं जा रहा। बाकी आप एक बार माहौल भी देख लो कि ये देखो, ये चेक करो, खड़े होके दिखाता हूँ, ये चेक कर लो, ये हमारी गाड़ी है, क्या देखो क्या हाल, कैसी ली थी और कैसी हमने हाल कर दिया। अभी आपको मैंने अंदर से नहीं दिखाया कि इसका अंदर से क्या हाल हुआ है। बाकी आप ये देख लो माशाल्लाह, कितना प्यारा माहौल है, सुकून 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 हर जगह। वो देखो ना बेल्ट ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, मेरी जो बेल्ट आई थी भाई वो ख़राब हो गई थी, वो फेंक दी थी, तो अभी अगर एक्स्ट्रा बेल्ट होएगी तो वो ले लेंगे, नहीं तो मैं जाके ये आगे हैं सारे मुताम वगैरह, उधर से मैं जाके ले आऊँगा नई बेल्ट। तो भी इंशाल्लाह भी नियत करेंगे हम लोग उमड़े की, उसके बाद हम लोग अपना उमरा करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मिलता हूँ, जब अगर बेल्ट मिलती है तो वो पहन लेंगे, नहीं तो जाके नहीं लेके आते हैं। बैग तो नहीं मिला इसलिए अब मैं नया बैग लेने जा रहा हूँ, अब देखते हैं कितने का मिलता है, महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, या क्या लेते हैं, जैसा ही मिलता है आपको मैं दिखाता हूँ कितना बैग होता है यहाँ से। तो बाकी एक बार यार देख लो, बाथरूम भी आपको अंदर दिखाऊंगा, दुआ करो भाई बस गर्म पानी आता हो, नहीं तो ठंडे पानी से तो मर जाऊँगा मैं। बाकी एक बार ये देख लो, वो तैफ के पहाड़, ये भी पहाड़, ये बसें जो बसें वाले आए हैं, ये भी पहाड़ हैं। तो भी लेते हैं बैग, बैग लेने के बाद ही आपको मिलता हूँ। हाँ जी भाई, दुकानें जहाँ से एहराम वगैरह, ये देखें ये बेल्ट लेनी है मैंने, जिसे मेरा एहराम ना गिरे, कोई मसला हो सकता है हजरत से उसका भोसा लेना हो, एहराम गिर ना जाए, तो भी भाई उमरा कबूल नहीं होता, इसलिए ये बेल्ट लेनी ज़रूरी है। अब देखते हैं कौन से लेते हैं बेल्ट, और ये जूतियाँ भी हैं जो लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ क्या लेते हैं। ये जी भाई ले लिया 10 रियाल का, ये देखो लोकल सा बैग 10 रियाल का, ये देखो ये चेक करो, ये चेक करो भाई, ये है मेरा एहराम और ये है भाई मेरा पर्स। तो भाई बाथरूम के अंदर तो ये लेके नहीं जाना, तो आपको भाई एहराम पहनने के बाद ही आपको मिलूँगा, ठीक है ना। बाथरूम के अंदर तो भाई मोबाइल लेके नहीं जाना, इसलिए ये गाड़ी के अंदर रखना पड़ेगा, तो आपको जब मैं एहराम पहन के आऊँगा तब मिलूँगा। अच्छा जी, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नियत कर ली उमरे की और एहराम भी पहन लिया है, और ये मैंने बड़े पापा के एहराम पहना है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, क्योंकि भाई मैं लाया था करते 2 एहराम, एक पापा का एक मेरा। अब मुझे ये नहीं पता था, मेरा नाम तो लिखा नहीं था कि ये ब्रैड का ये सुहेल का, इसलिए पापा ने कहा था दोनों ले जाओ, जो सा तुम्हारा होगा वो पहन लो। ये वाला मैंने खोला, ये पापा का था, मैंने पहन के दिखा, मुझे पूरा आया था, फिर मैंने यही पहन लिया। उसके बाद ये देखो सारी गाड़ी एक बार देख लो, ये सारी गाड़ियाँ एक बार देख लो, उसके बाद मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी में, ये देखो ये हमारी गाड़ी चेक करो, सबसे अनोखी गाड़ी, कपड़े डाल लें दरवाजे खोल के, ये चेक करो, वो उस्मान भाई बैठे हैं, ये वो अंदर हसन भाई बैठे हैं, और हमारी गाड़ी देखो दरवाजे खोल के कपड़े डाल लें हैं माशाल्लाह। अभी फैमिली नहीं आई, हम तीनों ही आए हैं बस नियत वगैरह करके, नफल वगैरह पढ़ के। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, हम लोग मक्का जुमा भी है, मक्का जुमा में पढ़ेंगे, 2 दिन मक्का में रहेंगे, उसके बाद भैया हम लोग जाएंगे मदीना, शायद पापा भी हमें ज्वाइन कर लें,
तो आज का व्लॉग यार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इधर से शुरू करेंगे मक्का तक उमड़ा पूरा। मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं उमड़ा कैसे करता हूँ और कैसे कौन कौन सी मैं ज़ियारत करता हूँ। हजरत अस्वद का इंशाल्लाह मैंने इस बार बोसा लेना है, मैंने भाई बड़ा दिल करता है उसका बोसा लेने। बाकी यकने मानी मकाम इब्राहिम और सोने का डे अल्लाह ताला का घर, बाकी जितनी भी ज़ियारतें हैं आपको भी सारी दिखाऊंगा। हजरत अस्वद भी जाना है मैंने, हजरत अस्वद कहर गार हीरा पे भी इस बार जाना है इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगला व्लॉग यहीं से शुरू होगा, ये पार्ट वाइज आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।